तुला राशि वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। उनके प्रोग्रेस की चांसेस बहुत ज़्यादा है, सक्सेस बहुत ज़्यादा उन्हें मिलेगी। अगर आप जो है वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव आपके आ सकता है। करियर की दृष्टि से भी ये महीना बहुत अनुकूल है। शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और राहु पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, इसलिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की वजह से बहुत आगे बढ़ेंगे। आपके लिए काम करना बहुत आसान रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में और भी अनुकूल समय आने वाला है आपके लिए। व्यवसाय करने वालों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने 7वें भाव में रह करके आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे, जिससे आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति आएगी। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो इस महीने आप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए ऑस्पिशियस रहेगा। आर्थिक दृष्टि से महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। चतुर्थ भाव में रह करके मंगल आपके एकादश भाव को देखेंगे तो 5वें भाव में विराजमान शनि, सूर्य और बुध की दृष्टि भी 11वें भाव पे रहेगी, जिसकी वजह से आपके आमदनी में बहुत उन्नति होने वाली है, बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल शुक्र के साथ 5वें भाव में आपके एकादश भाव को देखेंगे, वो समय तो आपके लिए सोने पर सुहागा लेके होगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में चूंकि राहु के साथ सूर्य और बुध के साथ छठे भाव में आ करके द्वादश भाव के साथ संबंध बना लेंगे, इसलिए इस समय आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। सूर्य के उपाय और राहु के उपाय करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने आपको गैस, एसिडिटी और पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपने आँखों की आपको विशेष केयर करनी चाहिए और जो भी लिकर्स हैं इनसे आपको थोड़ा दूर रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम और संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। सूर्य, बुध और शनि के कारण आप जो है कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि आपके संबंधों के लिए अच्छा ना हो, इसलिए अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखें। लेकिन 7 तारीख को शुक्र आपके 5वें भाव पे जब आएंगे तो आपके प्यार संबंधों में मिठास लेकर आएंगे। मंगल 15 मार्च को वहाँ पे आने के बाद स्थिति को और बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। आप इस महीने चाहें तो अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस महीने आप विवाह कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी समय अच्छा है। 4थे भाव में शुक्र मंगल की वजह से अगर आप कोई गाड़ी नई खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में आपके कोई फंक्शन होने वाला है तो वो फंक्शन आप ज़रूर अटेंड करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। आपका ओवरऑल पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा। भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। इस महीने को अगर आप शुभ बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप जो है गाय के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें और किसी गर्ल्स ऑर्फनेज में जाकर थोड़ा अन्नदान करें और उनके लिए कॉस्मेटिक्स का आप दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। बुधवार के दिन आप जो है हरे पेड़ों को जो है पानी ज़रूर डालिए और कुछ प्लांटेशन और ट्री प्लांटेशन आप ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा।